एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं लग रहा कि मैं टाइटल से दूर रहा. मैं यहाँ आ रहा हूँ, जीते दो लोग हैं, लेकिन इतना ज्यादा प्यार, इतनी ज्यादा मोहब्बत मिल रही है मुझे. तो मैं आए, हमें पता ही नहीं है इसका आफ्टर इफेक्ट क्या है. हम आपसे एक बार मिले थे, एक बार मॉल गए थे, तो पता भी नहीं था कि कितना एक्साइटमेंट, कितना कुछ रहा है. पर आई रियली थिंक जो जीता है वो बहुत डिजर्विंग भी है, क्योंकि वो जो लास्ट का एक हफ्ते में जब चार लोग रह जाते हैं तो वोट डिसाइड करते हैं. तो एक्चुअली जीत हमारी नहीं, जीत हमारे फैंस की है. जिसके फैंस ने ज्यादा वोट कर दिया वो लोग जीत गए. सो आई थिंक रियली हैट्स ऑफ टू ऑल फोर. दे डन अ वेरी वेरी सुपर्ब जॉब. विकास, आपके लिए कितना डॉन्टिंग रहा है एक्सपीरियंस? हमने देखा आपके काफी लेयर्स आए. अरे आई थिंक इन्होंने टारगेट रखा था चार हफ्ते का, मैंने टारगेट रखा था एक हफ्ते में भाग जाऊंगा. तो मैंने से तीन चार बार भागने की बड़ी कोशिशें भी करी है शो पे, पर उसके बाद गेम चेंज हुआ. जैसा कि बिग बॉस ने कहा था, एक सेकेंड इनिंग थी और उस इनिंग में मैंने बहुत समझा कि चलाकी अकलमंदी में डिफरेंस क्या होता है. दिल और दिमाग को मिलकर खेलना चाहिए और मैंने हर एक लम्हा एक्सपीरियंस इंजॉय किया इस शो का. ये शो मेरे लिए बहुत ही एवोल्यूशन का प्रोसेस रहा है. आप सब लोगों ने मेरी जर्नी देखी है तो आई थिंक इट इज सुपर्ब कि मैं बहुत ही पॉपुलर लोगों के साथ थर्ड आया हूँ. और अगर नहीं भी जीत पाया हूँ, इट्स फाइन. आई रियली थिंक मैंने बहुत कुछ पाया है. And I'm very, very happy about that right now. True. किसने सबसे ज्यादा tough time दिया आपको घर में? सबसे ज्यादा tough time पहले पांच हफ्ते शिल्पा जी ने दिया था. उसके बाद पूरे घर ने डिसाइड कर लिया था कि वो जगह ले लेंगे, क्योंकि जो भी वो जगह लेगा वो बहुत पॉपुलर रहेगा. सो आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक दैट ऑल हैपेंड. बट somehow मैंने एक एक करके काफी फ्रेंड्स भी बनाए. आई थिंक जो दोस्तियां मैंने कमाई हैं इस शो के अंदर, आई कैन वेरी क्लियरली से वो किसी और ने नहीं कमाई. सो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ. मैंने अपनी जर्नी से ये सीखा है कि कभी भी कोई चीज केवल दिमाग से नहीं होती या कोई भी चीज केवल दिल से नहीं खेली जा सकती. एक बैलेंस बहुत जरूरी है लाइफ में, हर चीज में वो रखने का. और सेकंड चीज जो मैंने सीखी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने पॉपुलर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने गुड लुकिंग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो. अगर आप सही से किसी भी चीज में लाइफ में जो भी करोगे, आई थिंक आप बहुत दूर तक जा सकते हो, विच इज फाइन. यस, वी आर प्लानिंग, वी थॉट अबाउट दिस ऑल्सो. देर इज समथिंग एक्साइटिंग. अगर कोई सही से चीजें होंगी तो आई थिंक होपफुली यू विल सी बोथ ऑफ अस वर्किंग टुगेदर. हाउ द रिलेशनशिप चेंज नाउ व्हेन यू ऑल केम द फर्स्ट टाइम, बाय द वे, इन द सीजन दैट टू इंडिविजुअल्स had always had some problem outside and then they had come. So actually मेरी और शिल्पा जी की इतनी प्रॉब्लम आउटसाइड ये नहीं थी. केवल एक था कि एक डिसीजन जो मैंने लेना था कि शुड आई बी लेटिंग हर गो और शुड आई कीप हर, ऑल्दो हर डिमांड्स वर नॉट समथिंग विच कुड बी फुलफिल्ड. एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई डिसाइडेड बिकॉज ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन कि वो नहीं है सही फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, एंड शी मूव्ड ऑन. तो उनको आई थिंक ये जरूर लगा होगा, बुरा लगा होगा, काफी चीजें हुई होंगी. पर आई थिंक वो आफ्टर फाइव वीक्स देयर इज अ लॉट ऑफ गेम इन्वॉल्वड इन इट ऑल्सो. यू हैव टू अंडरस्टैंड वो केवल एक पर्सनल वेंजेंस नहीं रहा है. तो यू कांट ब्लेम हर फॉर इट, शी वाज आल्सो पार्ट ऑफ अ गेम. सो वो भी गेम खेल रही थी. वो पांच हफ्ते के बाद वो सॉर्ट आउट हुआ है. एंड आई एम होपिंग दैट नॉट जस्ट हर, देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल हु आर वेरी टैलेंटेड इन दैट हाउस, जिनके साथ हम सभी लोग मिलकर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग करने की कोशिश करेंगे. बट रिसेंटली जब मीडिया आपके घर में आई थी, तब कहीं आपने कहा कि आप ईमानदारी से और सच्चाई से खेलेंगे तो आप दूर तक जा सकते हैं. हाँ. शिल्पा शायद सच्ची थी इसलिए शायद जीत भी गई. बट उस दिन हमें ऐसा लग रहा था कि आप लोग कह रहे थे कि नहीं, थोड़ी फेक है, थोड़ा कट नहीं है. मुझे मेरे हिसाब से तो शिल्पा कभी भी फेक नहीं थी. शिल्पा फेक नहीं है. शिल्पा जैसी है वैसी है कि वो अपनी चीजें अपने हिसाब से करती हैं. और हर कोई इंसान जो कि वो जो फाइनल फाइव की दौड़ में पहुंचा है, वो कहीं कुछ ना कुछ खोकर और कुछ ना कुछ सीख कर वहां पहुंचा. आई थिंक शिल्पा ने भी बहुत कुछ सीखा है और उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन रहा है फ्रॉम द पर्सन जो फर्स्ट वीक से थी जो 15th वीक तक वो पहुंची है, आई थिंक वो सभी का रहा है. फेक और रियल बहुत ही सब्जेक्टिव वर्ड है. उस घर के अंदर कब कौन फेक होता है, कब कौन रियल होता है और कब वो वाइस वर्सा हो जाता है, यू कैन नेवर जज. बिकॉज इंसान को खुद भी नहीं मालूम होता कि वो कब फेक है और कब रियल है. बिकॉज इट्स वो जो शो है वो है ही ऐसा. इट्स नॉट अ शो, इट्स एन एक्सपेरिमेंट. आप एक्सपेरिमेंट में हो, आप ह्यूमन एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के अंदर हो, जहां पर 15 हफ्ते तक आप एक दूसरे को देखते हो, किसी और इंसान को देखते नहीं, केवल एक आवाज की आप बात सुनते हो. इट्स लाइक लैब रैट्स, बट इट्स मोर एंटरटेनिंग, इट्स एक्साइटिंग. और आप एक ड्राइव के साथ जाते हो तो यू कैन नॉट ब्लेम वन पर्सन फॉर सर्टन बिहेवियर्स. वो चेंजेस होते हैं ऊपर नीचे और बहुत एक्साइटिंग बनते हैं. आई थिंक हिना और मैना दो कॉम्पिटिटर्स हैं. जब हम देखते हैं कि कोई इक्वली चैलेंजिंग होता है तो हम कॉम्पिटिशन करते हैं. हिना से मुझे हमेशा इसीलिए आई रिस्पेक्ट हर एज अ कॉम्पिटिटर, इज द रीजन वाई मैं आई वुड कम्पीट विद हर. उसकी कुछ आदतें ऑब्वियसली मुझे पसंद नहीं है और बहुत लोगों को पसंद नहीं होंगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चीजें बोल देती है, बहुत जजमेंटल हो जाती हैं. लेकिन आई थिंक बाय द एंड ऑफ इट हमारे पास कोई चॉइस नहीं था पर दोस्त बनने का, कि हम चार रह गए थे. तो जहां पर पुनु और शिल्पा जी फ्रेंड्स पहले से काफी टाइम से उनकी फ्रेंडशिप रही है, मुझे और हिना के पास और कोई चारा नहीं था. जो हम एक दूसरे से बातें करते थे घर में, जब आप अकेले
बंद हो जाते हो तो आप कॉमनली बात करते हो। और जहाँ तक हमने हमेशा कहा हम कलीग्स हैं, हम काम कर रहे हैं साथ में, लड़ाई भी करेंगे झगड़ा भी करेंगे, पर इट्स ऑल फाइन।